जीवन एक अनमोल यात्रा है और इस यात्रा में कभी कभी हमें ऐसे मोड़ों से गुजरना पड़ता है जहां चुनौतियां, समस्याएं और तनाव हमारा पीछा करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें पता चल जाए कि इन तनावों से मुक्त होकर एक शांत, संतुलित और सुखद जीवन कैसे जिया जा सकता है। हमारे भारतीय शास्त्रों में, खासकर भगवद गीता में, श्री कृष्ण ने ऐसे ही कुछ रहस्यों का खुलासा किया है। गीता में दिए गए उनके उपदेश केवल एक युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में लागू होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है, जो न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें जीवन के विभिन्न तनावों से भी मुक्त करता है। आइए श्री कृष्ण की वाणी के माध्यम से जानें कि कैसे हम भी उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारकर तनाव मुक्त हो सकते हैं। एक, जीवन को सही दृष्टिकोण से देखें। कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार माया है। जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वह अस्थाई है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, लेकिन तुम स्थिर रहो। यह संदेश हमें बताता है कि जीवन में जो भी स्थितियाँ आती हैं, चाहे वो कितनी भी तनावपूर्ण क्यों न हो, वे अस्थाई हैं। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही जीवन के ये कठिन पल भी बदल जाएंगे। इसलिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। जब हम किसी समस्या को स्थायी मानने लगते हैं, तभी तनाव उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें हर स्थिति को एक नई चुनौती, एक नई सीख के रूप में देखना चाहिए। यदि हम हर समस्या को एक अनुभव के रूप में लेंगे तो तनाव का बोझ हल्का हो जाएगा। दो, निष्काम कर्म बिना फल की इच्छा के कार्य करो। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हें कर्म करने का अधिकार है लेकिन फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता करते हैं तभी हमें तनाव होता है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में यह चलता रहेगा कि अगर यह सफल नहीं हुआ तो, तब तनाव बढ़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि आप पूरी मेहनत करो लेकिन उसके परिणाम की चिंता छोड़ दो। परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं होते और जब हम इसे समझ जाते हैं तब तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम लक्ष्यहीन हो जाएं, बल्कि हमें हर कर्म को एक समर्पण के रूप में करना चाहिए, जैसे कि वह ईश्वर के लिए हो। तीन, धैर्य और संतुलन बनाए रखें। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को संतुलित रखता है वही सच्चा योद्धा है। तनाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जीवन में हर चीज समय लेती है। धैर्य का महत्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। जब हम कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें धैर्य रखना होता है। तनाव के समय धैर्य की शक्ति हमें न केवल शांत रखती है बल्कि हमें समाधान खोजने की क्षमता भी देती है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह एक प्रकार का आत्मनियंत्रण है जो हमें हर परिस्थिति में संतुलित रहने की शक्ति देता है। जब हमारा मन संतुलित होता है तभी हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं। चार, ध्यान और आत्म साक्षात्कार का महत्व। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ध्यान का महत्व समझाया था। ध्यान यानी अपने भीतर की यात्रा करना। जब हम अपने मन को शांत करते हैं
तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। ध्यान न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठने की क्षमता भी देता है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, जो हमें संसार की परेशानियों से ऊपर उठने में मदद करता है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्म साक्षात्कार से बड़ा कोई सुख नहीं। जब हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, तो संसार की कोई भी चीज हमें दुखी या तनावग्रस्त नहीं कर सकती। 5. भक्ति योग परम शक्ति के प्रति समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे समर्पित होता है, मैं उसके सभी दुख दूर करता हूँ। यह भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। जब हम किसी परम शक्ति, चाहे वह भगवान हो या ब्रह्मांड की कोई अनदेखी शक्ति, के प्रति समर्पण करते हैं, तो हमारे जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। हम में से बहुत से लोग तनाव में इसलिए रहते हैं, क्योंकि हम सब कुछ अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने कर्म और चिंताओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तब जीवन का बोझ खुद ब खुद हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन के हर कष्ट को ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकते हैं। जब हम यह महसूस करने लगते हैं कि हम इस संसार में अकेले नहीं हैं, बल्कि एक परम शक्ति हमें मार्गदर्शन दे रही है, तब हमें किसी भी चीज का भय नहीं रहता। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के उपदेशों में जीवन के हर पहलू का समाधान है। उन्होंने हमें बताया कि जीवन में आने वाले तनाव, चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ अस्थाई हैं, और हमें इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने कर्म को धर्म समझकर करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता किए। धैर्य, ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो तनाव अपने आप गायब हो जाता है। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। हमें उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें जो ज्ञान दिया है, वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह हमारे जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में लागू करते हैं, तभी हम एक सच्चे योगी की तरह तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। तो आइए श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करें और जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि प्राप्त करें।